रहे हैं, जैसा हमने इसका बोला है कि फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी, उम्मीद की उड़ान, उम्मीद की उड़ान सब लोग साथ में भरे, यही हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम के उससे। और अब मेरे ख्याल से हम लोगों का एक लोगों के माध्यम से गुब्बारों में यहाँ के लोगों की उम्मीदों का और यहाँ के सैलानियों के जन की उम्मीदों का एक संगठित और नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया में कहीं स्वर्ग है तो वह सुरहा ताल है। 10 से 12 दिसंबर तक लगेगा सुरहा ताल पक्षी महोत्सव। खबर जनपद बलिया से, जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बसंतपुर स्थित सुरहा ताल पर आज गुरुवार को सुरहा ताल पक्षी विहार के लोगों का अनावरण किया। इस अनावरण के दौरान उन्होंने कहा कि सुरहा ताल के विकसित हो जाने से यहां के मछुआरा समुदाय के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आय बढ़ेगी, साथ ही इस क्षेत्र के लोगों का विकास बढ़ेगा। सुरहा ताल का जो लोगो है उसका अनावरण किया और सुरहा ताल में जो अभी हम लोगों का बर्ड फेस्टिवल होने जा रहा है उसके जो मुख्य आकर्षण है उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया और कैसे ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, कैसे चल रहा है इसके बारे में, कैसे हाउ इट केम टू बी इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दी और डीडीओ साहब ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से बताया। बस मैं इन्होंने एक चीज़ उसमें थोड़ी गलती करी जो मैं सही करना चाहूँगी। आपने कहा कि इसके केंद्र बिंदु में मैं हूँ, मैं ये नहीं कहना, मैं इसके केंद्र बिंदु में मैं नहीं हूँ, इसके केंद्र बिंदु में सुरहा ताल है, ये जो प्रकृति है ये है केंद्र बिंदु और बलिया का विकास जो है वो है केंद्र बिंदु इस पूरे कार्यक्रम का। और इसी भावना के साथ यहाँ का जो पूरा मछुआ समुदाय है उनको आजीविका प्रदान करना, इस क्षेत्र का पूरा विकास हो। उन्होंने कहा कि हम सब का प्रयास होना चाहिए कि हम सब मिलकर सुरहा ताल को सुरक्षित रखें, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वह कश्मीर में है, उसी प्रकार जनपद में अगर कहीं स्वर्ग है तो वह सुरहा ताल है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग मिलकर आगे आए और प्रगति के नए अवसर तलाशें, जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। जो रिसोर्स है, जो बलिया का, जो बलिया की संपत्ति है, जो बलिया का ट्रेजर है एक तरीके से मैं मानती हूँ, जैसे कश्मीर, अभी आप लोग गए होंगे बोटिंग करने तो आपने इसकी कंपैरिजन जो है कश्मीर की दल लेक से किया, तो जैसे कश्मीर कहते हैं कि अगर धरती पे कहीं पे जन्नत है तो वो कश्मीर में है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग के बलियावासी भी इसको एक्सपीरियंस करें कि बलिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो सुरहा ताल है। यही हम लोगों की जो है भावना है कि जो हम लोगों के पास ये इतनी बेहतरीन संपदा है ये सब बलिया वासियों के सामने अपने मूर्त रूप में आए, हम सब लोग इसको महसूस करें, एहसास करें और इसको जो है हम सब लोग ट्रेजर करें, जो हम लोग एक तरीके से ट्रेजर को ट्रेजर करना भी बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग इसको बिल्कुल अपना माने, इसको अपनाएं और इसका मज़ा लें और इसको सुरक्षित रखें, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। सब जनपद वासियों के सामने ये हम लेकर के आना चाहते हैं, प्रयास है कि बहुत ही सुरक्षित रूप से। जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा कि यहाँ पे 10 से 12 दिसंबर तक महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में बच्चे और उनके परिजन आएंगे जो प्रकृति के मनोरम सौंदर्य को नजदीक से देखेंगे। उन्होंने कहा कि सुरहा ताल अपने साइबेरियन पक्षियों के लिए जाना जाता है, यह ताल कई किलोमीटर में फैला हुआ है जहाँ पर नौकायन का भी आनंद लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नौकायन करते समय सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया कि मछुआरा समुदाय और नौकायन करने वाले लोगों को जिला आपदा प्रबंधन और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसका आगाज किया जा रहा है और यहाँ पे बच्चों के लिए तमाम एक पिकनिक स्पॉट के रूप में झूले भी उपलब्ध होंगे, बड़ों के लिए भी खाने पीने के स्टॉल, सारी सुविधाएं, सब चीज उपलब्ध होगी। तो मेरा बस आज आप लोगों के माध्यम से बलिया वासियों से यही अनुरोध है कि इस पूरे बर्ड फेस्टिवल को सफल बनाएं और सुरहा ताल को जैसा हम लोग चाहते हैं, जैसे आप लोगों की चीज़ है, इसको अपनाएं और इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बलिया के लिए पर्यटन विकास का एक केंद्र बिंदु बनाएं और बलिया की इकोनॉमी, बलिया का जो विकास है इसके माध्यम से और सुरहा ताल का विकास भी आप सब लोगों के माध्यम से हो, यहाँ के समुदाय का, कम्युनिटी का विकास जो है, सब लोग एक साथ मिल करके ऊपर उठें, ऊपर बढ़ें, जैसा हमने इसका बोला है कि। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से शीतल निर्भिक की रिपोर्ट।